गाइस आज हम चलाने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर स्कैनिया का ट्रक। एंड दोस्तों आज स्कैनिया के ट्रक के साथ दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर मैं इसका हजार चला देता हूँ और यहाँ पर देखिए दोस्तों कितनी बड़ी क्रेन है। और गाइस इस वाली क्रेन को ना हमें यहाँ पर एक पासी वाला गाँव है दोस्तों वहां पर पहुंचाना है, बट जो कि 1800 किलोमीटर, जी हाँ यहाँ से दोस्तों 1800 किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र होने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम सबसे पहले यहाँ से जो निकल चलते हैं। चलो मैं इसको इंजन स्टार्ट कर देता हूँ दोस्तों, एंड अपने ट्रक का भाई इंजन स्टार्ट हो गया है। चलिए हम निकलते हैं एंड मुझे अपना ट्रक को ना स्कैन करवाना पड़ेगा। इसके अंदर ना एक प्रॉब्लम दे रहा है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। चलिए नाइस, पीछे देखते हुए आराम से भाई, चलिए निकल गए हम, बढ़िया। आई थिंक सो शायद से दोस्तों ये पार्किंग का साइन है या फिर किसी दूसरी चीज़ का भी साइन हो सकता है, बट दोस्तों है तो है। अब ज़्यादा तेज चलने के बाद प्रेशर नहीं बन पा रहा है, आई डोंट नो, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी कुछ शो नहीं कर रहा है। आई थिंक सो कि इसी चीज़ से रिलेटेड के अंदर जो दिक्कत आ रही है। खैर कोई नहीं, कंपनी में एक बार चेक कराना पड़ेगा, वो हम करा लेंगे, बट जो काम अभी हुआ है। आपने कल देखा होगा दोस्तों यहाँ पर कितना ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हमारा जो है हुआ था। आराम से ब्रेक मार दूंगे, वो तो अच्छा है कि भाई मेरे ट्रक के जो ब्रेक पैड्स हैं बिल्कुल न्यू हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा दिक्कत वगैरह नहीं होती है। चलिए एक सामने से यार वो बंदा आ रहा है, कोई नहीं, चलो आराम से निकल गया। इस वाले इलाके में ना मैं आपको बता दूं, जैसे क्रेन्स वगैरह होती हैं और 100 की भाई स्पीड लिमिट यहाँ पर देखो दे रखी है भाई, और क्या चाहिए भाई। यहाँ की सरकार से मतलब बहुत ख्याल रखती है, उन्हें भी पता है कि ट्रक्स में जल्दी सामान पहुँचाना होता है ये वो, तो भाई हर चीज़ का सरकार भी ध्यान रख। ऑलराइट गाइस, चलिए ठीक हो गया दोबारा से। अभी यार एक चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, जो ट्रक है ना पेट्रोल भी नहीं बता रहा है कि फ़िलहाल इसके अंदर जो कितना पेट्रोल है। अभी यार मैंने न्यू ही परचेज़ किया यार, नए के अंदर ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, कोई बात नहीं, चलो नाइस बढ़िया। से ब्रेक्स मार मार के आप देख रहे हो ना डिस्प्ले के अंदर दोस्तों कुछ हो रहा है। अभी यहाँ पर एक ग्लिच आया था, पता नहीं भाई इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में प्रॉब्लम क्या हो रही है यार मेरे ट्रक के। अब वो तो कोई अच्छा सा मैकेनिक हो यार, उसे ही दिखाऊं तब तो पता भी चले कुछ। चलिए कोई नहीं, ना कुछ एरर दे रहा है, पेट्रोल दिखा रहा है। टेम्परेचर तो बिल्कुल कोल्ड ही पड़ा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में मैं इसको जो दोस्तों ड्राइव कर रहा हूँ, और कुछ नहीं, और सारे डिस्प्लेस गायब हैं इसकी। जब ऑन ऑफ कर रहा हूँ ना तब आ रही है, ये देखो क्या हो रहा है डिस्प्ले में। आई होप कि आपने देखा होगा, बस को तो ऐसे रस्तों के ऊपर चलाना बहुत दिक्कत का काम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत का। मैं तो भाई आगे पीछे करने की कोशिश कर रहा हूँ इसके मीटर को, ये देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट बटन इसी यहाँ पर जो है वर्क नहीं कर रहे हैं, लाइट के तो कर रहे हैं। ये देखिए आप मीटर में और वैसी चीज़ों में लाइट आ रही है, बढ़िया। और ये फ़ोन के ऊपर जो नेविगेशन सिस्टम मैंने यहाँ पर लगाया, तो फ़ोन के अंदर जो नेविगेशन चल रहा है ऐसे तो भाई है भी नहीं। कोई नहीं, चलो देखते हैं भाई, अभी तो चलते हैं यार इधर से आराम से, बढ़िया। पूरा थ्रॉटल है अभी तो मेरा, क्योंकि सीधा सीधा रास्ता है, निकल जाएंगे अभी तो फ़िलहाल। जहाँ तक चल रहा है ये माल पहुँचाना है जल्दी से, क्योंकि अर्जेंट का है, ठीक है ना। स्पीड भाई पूरी खींच रखी है, नाइस। मोड़ के ऊपर थोड़ा सा हल्का करना पड़ता है भाई ट्रक को, क्योंकि डिसबैलेंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सामने नए मैन के जो ट्रक जा रहे हैं, मैन है या स्कैनिया है, अभी देखता हूँ आगे निकल के। वॉल्वो के ट्रक्स जा रहे हैं,
टाइम मेरा ट्रक ना इन सबसे तेज़ है स्पीड में, और देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कुछ दिखा नहीं रहा है, तब मैंने इसको इतना चलाया हुआ। अगर कोई एरर भी होगा ना ट्रक के अंदर तो भाई वो दिखाएगा नहीं। खैर चलो, पुराने समय की तरह ही फिलहाल अभी जो ट्रक चल रहा है, जैसे कि एवरेज वगैरह नहीं पता चल रहा है, और मतलब ब्रेक चल रही है, स्टीयरिंग चल रहा है, एक्सीलेटर चल रहा है, इंजन वर्किंग में है, तो सही है, चलो चल रहे हैं। कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं वर्क कर रहे हैं ना इसके, जो हार्डवेयर है वो तो चल ही रहा है ना यार, सॉफ्टवेयर ही तो नहीं चल रहा। अब सॉफ्टवेयर थोड़ी ना चलाता है भाई ट्रक को। चलो, कोई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड ग्लिच होगा हम बाद में देख लेंगे। मैं फिलहाल, रात होने लग गई और मैं सोच रहा हूँ ना कोई अच्छा सा पेट्रोल पंप आए, हम वहाँ पर रुकते हुए भी चलें, बट अभी आगे तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देख रहे हो कैसे ब्रेक लगे यहाँ पे। असल में ये देखो, मैं आपको दिखाऊंगा, आने जाने वाला रास्ता एक है, और बस वाले भैया वहाँ पर जो है रुक जाएंगे, मेरे ख्याल से तो रुक तो जाने चाहिए। यहाँ पर ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बेचारे लोग बाग यहाँ पर लगे हुए हैं काम में। ओ भाई, ये ब्रेक लाइट भी अलग से शो कर रहा है ना ये वाला। जो है बैक कर लिया अपने ट्रक को, बट यार बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था इसको बैक करना भी। चलिए इधर से निकल चलते हैं यार, ये ऊपर पहाड़ों में जा रहा है रोड, और मतलब अभी फ़िलहाल अंधेरा हो गया ना, तो भाई साहब पता नहीं आगे का सफ़र कैसा होने वाला है मेरा। खैर कोई नहीं, पैरों के नीचे भी लाइट्स वगैरह जल रही हैं अपने ट्रक के। नाइस, अब फिलहाल इस लोकेशन से निकल जाओ। अब वैसे मुझे ना जैसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इन सब चीज़ों की लाइट्स वगैरह ये हर चीज़ बता रहा है। अरे ये आगे तो रोड दोस्तों बंद है यार, वेट अवर में देखना पड़ेगा। ओके, बैंक ही जाना पड़ेगा यार यहाँ से तो। चलो चलो दोस्तों, बैंक कर लेता हूँ। चलो चलो चलो, नाइस। असल में ये हुआ बताऊँ क्या है, मैं ऊपर आ गया और नेविगेशन बता रहा सीधा, ये हल्का सा पीछे जाने वाला रोड था ना, उसकी वजह से ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अब मैंने तो भाई इन रोड्स के ऊपर पहले कभी ट्रक चलाया है नहीं, ठीक है ना, मुझे पता भाई कैसा है, तो सीधा अपन नेविगेशन से चला जाता है यार यहाँ पे। चलिए दे दिया इधर कभी भाई मोड़ काटने का। सीधा ही जाना है भाई, पहले ना देखकर ऐसे चलाना पड़ता है। चलो नाइस, बढ़िया, क्या बात है भाई साहब, मतलब आगे का रास्ता और भी ज़्यादा खतरनाक हो रहा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना। चलो इधर से टर्न ले लेता हूँ मैं, बढ़िया नाइस। पूरे ब्रेक मारने के बाद ना, प्रेशर ब्रेक्स हैं इसके, तो एकदम वहीं का वहीं रुक जाता है ट्रक। चलो सही हो गया, बढ़िया यार। गाइस इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कुछ नहीं आ रहा ना, टेम्परेचर बता रहा कोई, वार्निंग लाइट्स वैसे आ जाती हैं तो ऊपर भी जल जाती हैं वार्निंग लाइट्स, उनका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मैं यार सॉरी सर, एक मिनट पूछिए भाई, BMW वाले भैया तुम्हारी गाड़ी में ना लग जा, किया वाले भैया, मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ गाड़ियाँ बचा के निकल जाए इनकी, ऐसे बची गई ऐसी छोटी छोटी गलियों के अंदर से, फिर ये मतलब मैप पे रास्ता बता रहे हैं। चलो कोई नहीं भाई, छोटी छोटी गलियाँ नहीं है भाई ये, सीधा सीधा रास्ते जो है ना बहुत लंबे लंबे निकल रहे हैं, आसपास के इलाके नहीं आए। देखो डिस्प्ले के अंदर ना वो ब्लैकिश ब्लैकिश आ रही है, तो वो डिस्प्ले ठीक है, ठीक है, ग्लिच हो रहा है एक सॉफ्टवेयर का, बहुत खतरनाक ग्लिच है जो भी है। चलो
रहा हूँ इसको ना कहीं आगे रोक लूँ ट्रक को और वहाँ पर इसको चेक करा लूँ। तो हम ना फिर आगे का सफ़र जो है कल तय करेंगे, बट अभी पहले मेरे को ना अच्छी सी जगह पर रुकना पड़ेगा। अभी ऐसे बीच इलाके में रुक लूँ, कहीं कोई चोर लुटेरे आके लूट के ही ले जाए तो भाई फिर क्या होगा, वो तो मुझसे मांगेंगे ना अपना सामान। यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पहाड़ों में यार। ड्राइव करने के लिए ना मतलब बहुत ही अलग टाइप का वो चाहिए माइंडेड इंसान। वो देखो सामने वाला ट्रक कैसे जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ना इसके साथ साथ ही चलना चाहिए भाई आगे तक, क्योंकि उसके अंदर ना वो चल रहा है। वो देख रहा हो आप लाइट्स कैसी लगी हुई है उस ट्रक के अंदर, भाई रास्ता बताता रहेगा। इसकी लाइट्स भी वीक हैं यार, कोई नहीं वैसे साथ में चलिए क्या ही कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मैं ही निकालता हूँ वहाँ किससे, बढ़िया साथ में रह के भी क्या ही हो जाता। ऐसा तो है नहीं कि भाई उसका मेरा डीजल कम लगेगा, पहुँचना है जल्दी ही है, देर क्यों करनी। फिर अभी पीछे आ रहा है वो, और यहाँ पर भाई 3 मोड़ है बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला। अब यहाँ पर फंसेंगे, ऐसे फंसने वाले से कोई बात नहीं है। वैसे रात को तो ऐसे सफ़र करना भाई खतरे से खाली है ही नहीं, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं। नाइस, लगता है कहीं लटक गया ट्रक। चलो भाई साहब वो देखो रेड लाइट, देखो वार्निंग लाइट वो आ गई, ये आ गई वार्निंग लाइट। चल 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 चल, वार्निंग लाइट्स दोस्तों आ चुकी है अपने ट्रक के ऊपर। बट कोई नहीं यार, आई होप कि यार आज की वीडियो यहाँ पर आपको अच्छी लगेगी दोस्तों। लेकिन तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना एंड ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बाकी यार मैं मिलता हूँ सबसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, खुश रहिए, बाय।